क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? यही कि अब तक तो वकील साहब ने शीतल को जरूर बता दिया होगा कि मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ। और शीतल ये बात सुनकर बहुत खुश हो रही होगी। वो तो ये सोच रही होगी ना कि वहां वहां उसे तृप्ति मिल जाए और यहाँ मैं अकेला रह जाऊं। बड़ी चालाकी से शीतल ने इस बाजी के पत्ते फेंके हैं। पहले पागल बनकर तृप्ति के लिए तड़पना, फिर लिपस्टिक खरीदना, फिर प्रोड्यूसर को मेरे पास भेजना, कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेना। वेरी गुड। पर वो ये नहीं जानती गायत्री कि उसी की ये सोची समझी चाल बहुत जल्द उसी पर पलटने वाली है। शीतल ने एक ही गलती की, वकील साहब को कॉन्ट्रैक्ट देकर एक ही गलती की उसने। पर ऐसा अक्सर होता है गायत्री, दुनिया के बड़े बड़े मुजरिम अपनी कामयाबी में ओवर कॉन्फिडेंट होके ना कोई गलती जरूर करते हैं। अभय, तुम्हें क्या लगता है कि शीतल ये सब कुछ सिर्फ सिर्फ तृप्ति को पाने के लिए कर रही है? नहीं गायत्री, वो ये सब कुछ खास मुझसे बदला लेने के लिए कर रही है। लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि सबका उसकी बेटी पर क्या असर पड़ेगा। उसकी बेटी नहीं, तुम्हारी बेटी, हमारी बेटी। अभय, तुम्हारे मुंह से ये बात सुन के मुझे कितनी खुशी हो रही है। आज पहली बार तुमने मुझे तृप्ति की मां माना है, उसे हमारी बेटी कहा है। हाँ गायत्री, हमारी बेटी। अब तुम और सुनीति अलग नहीं हो। बस अब है, यही सुनने के लिए मैं तरस गई थी। मैं जानता हूँ गायत्री, और यही सुनने के लिए मैंने तुम्हें इतना इंतजार कराया। मैं वाकई शर्मिंदा हूँ, वाकई गायत्री, और साथ साथ मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार भी हूँ कि तुमने हमेशा मेरा साथ दिया। अब है, मैं तो हर जन्म में तुम्हारा साथ दूंगी। जानता हूँ गायत्री, जानता हूँ। मैं तो भगवान से सिर्फ यही प्रार्थना करूंगा कि हमारे किसी भी जन्म में शीतल हमारे साथ ना हो। वो शीतल जो अब तक फिल्म का प्रोजेक्ट कैंसिल कर चुकी होगी, क्योंकि वो तो यही समझती है ना कि उसे जो पाना था उसने तो पा लिया, यानी कि तृप्ति को तो उसने पा लिया, और साथ साथ मैं तुम्हें तलाक भी दे रहा हूँ। लेकिन अब है, मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगी, कभी नहीं दूंगी। मैं तुम्हारे बच्चे की मां जो बनने वाली हूं। रिपोर्ट तो ठीक आई है, फिर खुशी को हुआ क्या है? यही तो समझ में नहीं आ रहा है तरुण। पता नहीं खुशी को क्या हुआ है। डॉक्टर्स भी कुछ डायग्नोज नहीं कर पा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। तुम घबराओ मत, वो ठीक हो जाएगी। तरुण, तुमने उसका चेहरा देखा है? कैसे मुरझा गई है मेरी बेटी। कमबख्त बुखार भी तो उतरता चढ़ता रहता है, ना कुछ खाती है ना कुछ पीती है। हेलो। हेलो सर, अंजलि हियर। हाँ बोलो अंजलि। नहीं, उसकी तबीयत में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, वो वैसी ही है। सर, रिपोर्ट्स क्या कहती हैं? रिपोर्ट्स तो ठीक हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अंजलि, मैं आज ऑफिस नहीं आ पाऊंगा। आप सर ऑफिस की फिक्र मत कीजिए। मैं जानता हूँ तुम सब संभाल लोगी। वैसे अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो रवि से पूछ लेना या मुझे फ़ोन कर लेना। जी सर, काश मैं खुशी के लिए कुछ कर सकती। तुम दर्पण संभाल रही हो, वही काफी है। थैंक यू अंजलि, बाय। ओके सर, बाय। ये अंजलि बहुत अच्छी लड़की है। दर्पण का नया इशू निकल रहा है और मुझे कोई टेंशन नहीं हो रही है। सारे फैसले वो खुद ही ले रही है, और वो भी सही फैसले। बिल्कुल सुनीति की तरह है ना। कोशिश तो कर रही है, लेकिन वो अभी सुनीति जितनी काबिल नहीं हुई है। नहीं हुई है तो हो जाएगी, तुमने उसे सुनीति की जगह तो दे ही दी है। इतना आसान नहीं है दर्पण में सुनीति की जगह लेना। और तुम्हारी जिंदगी में वो जगह तो तुम ले चुकी हो, है ना? रवि, मेरी समझ में नहीं आ रहा ये बात मैं तुम्हें कैसे बताऊं।
मैं जानता हूं तुम क्या कहना चाहते हो। तुम जानते हो? मैं भी और तरुण भी। तरुण भी जानता है? जाहिर है अगर तुम जानते हो तो वो भी जरूर जानेगा। शीतल ने बताया तुम? नहीं, हमें तो इत्तेफाक से पता चला कि शीतल ही लिपस्टिक की नई मालकिन है। वो चाहती थी कि ये बात मैं तुम्हें बताऊं। लेकिन वो तो जानती है ना कि हम इस बात को जानते हैं। उसे पता है? नहीं कुमार, इसीलिए वो इस बात का नाटक कर रही थी कि ये खबर हम तक ऑफिशियली पहुंचे। नहीं रवि, नहीं, वो कोई नाटक नहीं कर रही थी। वो तो सिर्फ कोई काम करना चाहती है, अपने आप को बिजी रखना चाहती है ताकि वो तृप्ति का गम भुला सके। नहीं कुमार, शीतल कुछ और ही चाहती है। तुमको तो उसी रोज पता चल गया था जब तुम अंजलि का पीछा कर रहे थे लिपस्टिक के ऑफिस में, और तुमने हमें इस बात की खबर भी नहीं दी क्योंकि शीतल ने तुम्हें मना किया था। शीतल ये नहीं चाहती थी कि लिपस्टिक में गायत्री के खिलाफ जो कुछ भी छपा है उसके लिए दर्पण उसे जिम्मेदार ठहराए। वही जिम्मेदार है कुमार, मैं कह रहा हूं तुमसे वही जिम्मेदार है। ये तुम कैसे कह सकते? क्योंकि मैं शीतल को बरसों से जानता हूं। वो दर्पण की हार चाहती है और लिपस्टिक की जीत। क्योंकि वो लिपस्टिक की नई मालकिन बन गई है, वो चाहती है कि लिपस्टिक नंबर वन पोजीशन पर आ जाए। सिंपल। नहीं रवि, शीतल बदल चुकी है। क्या कुछ नहीं गुजरा है उस पे, कितना दर्द सहा है उसने। वो भले दूसरे को दर्द क्या देगी। मोहब्बत करते हो ना उससे, इसीलिए ऐसी बातें कर रहे हो। तुम्हारी नजरें बस वही देख रही हैं जो वो देखना चाहती है। जरा जरा मेरी नजरों से देखो, तुम्हें सच्चाई तुम्हारे सामने नजर आएगी। सच्चाई तो आंखें बंद करके भी नजर आ सकती है, और शीतल की सच्चाई एक दिन सबको नजर आएगी, तुमको भी, और तब मैं तुमसे बात करूंगा। ठीक है, मैं भी उस दिन बात करूंगा तुमसे, जरूर करूंगा। उस दिन का इंतजार रहेगा मुझे, और मुझे इंतजार होगा शीतल की अगली चाल का। तारा, यस मैम। तुम कुछ दिनों के लिए बैंगलोर चली जाओ। बैंगलोर? वहाँ फिल्म एंड टेलीविजन का अवार्ड फंक्शन है, उसे कवर करो। पर मैम, वहाँ तो विनय जा रहा है ना। तो क्या तुम विनय के साथ जाना नहीं चाहती? अब नहीं, ऐसी बात नहीं है। दरअसल एक और वजह है जो मैं चाहती हूँ कि तुम बैंगलोर जाओ। और वो वजह क्या है? काजल। काजल? उसके दिमाग में शक का बीज तो बो चुकी हूँ मैं। अब तो पेड़ भी उगने लगा है। लिपस्टिक में जब ये खबर छपी तो तुम्हारा यहाँ होना ठीक नहीं होगा, वरना अंजलि को शक हो जाएगा कि तुमने ये अफवाह फैलाई है। आप तो बहुत दूर की सोचती हो मैम। मैगजीन चलाना है तो सोचना पड़ता ही है धारा, और हमारा मैगजीन तब चलेगा जब उनका बंद हो जाए। मैं बैंगलोर जाने की तैयारी करती हूँ। जाने से पहले अंजलि से जरूर मिल लेना। क्यों? तरुण की बेटी खुशी की तबीयत बहुत खराब है। अब ऐसे में अंजलि को उसे देखने जाना तो चाहिए ना। और उसे ये बात उसकी सहेली से बेटर और कौन समझा सकता है? नमस्ते। नमस्ते, आइए ना प्लीज। लगता है आपके पति घर पर नहीं है। जी हाँ, तभी तो मैंने आपको यहाँ बुलाया है। सुनील जी, कहिए क्या कहना चाहती हैं आप? दरअसल सुनील जी, मुझे आपसे माफी मांगनी थी। मुझे मुझे आपके साथ ऐसे नहीं पेश आना चाहिए था, पर मैं क्या करूँ सुनील जी, मेरी लाइफ में इतनी सारी टेंशन चल रही है, अब क्या कहूँ मैं आपसे। आप तो जानते ही है ना कि अभय मेरे करियर को लेकर कैसे पेश आ रहा है मुझसे। मैंने तो बहुत बड़ी गलती की उससे शादी करके। पर अब तो आप गलती सुधार रही है ना, मेरा मतलब है आप दोनों का डाइवोर्स हो रहा है। हाँ, जितनी जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा है मेरे लिए। मेरा तो दम घुटने लगा है इस आदमी के साथ। मैं तो अपने इंटरव्यू में कहने वाली हूँ कि मेरे पति ने मेरे अरमानों का गला घोटने की कोशिश की। इंटरव्यू? हाँ सुनील जी, आप ही चाहते हैं ना कि मैं लिपस्टिक में इंटरव्यू दूँ। हाँ हाँ हाँ। तो बस आप इंटरव्यू फिक्स कर दीजिए और मुझे बता दीजिए। तो ठीक है, मैं अभी जाके सब फिक्स कर देता हूँ। पर सुनील जी, अगर मुझसे इंटरव्यू में पूछा गया कि आप फिल्म कब शुरू करने वाले हैं तो क्या जवाब दूं मैं? मैं बता दूंगा इंटरव्यू से पहले। अच्छा तो मैं चलता हूँ। अरे सुनील जी, आपके लिए चाय कॉफी ठंडा कुछ मंगा। नहीं नहीं नहीं, फिर किसी दिन। ठीक है। मेरे घर से निकलते ही इसने आपको बुला लिया।
मैं तो बस जा ही रहा था। सुनील जी बैठिए ना, कुछ देर और बैठिए। हाँ हाँ बैठिए सुनील जी, जल्दी क्यों, आप खुद ही देख लीजिए ना कि आपकी हीरोइन तलाक के पेपर्स पे ऑटोग्राफ कैसे देती है। थैंक यू। तुम्हारे काम करने का तरीका, लोगों से मिलने जुलने का तरीका, दर्पण के प्रति तुम्हारी लॉयल्टी, सब कुछ तो सुनीति की तरह है। ये सब मैंने गायत्री मैम से ही सीखा है। ओ, गायत्री मैम, और क्या क्या सिखाया उसने तुम्हें? लोगों का घर कैसे उजाड़ा जाता है, या दूसरों की पोजीशन पर कब्जा कैसे किया जाता है, या किसी माँ से उसका बच्चा कैसे छीना जाता है, या लोगों की प्रॉपर्टीज और पैसों पर कैसे कब्जा किया जाता है? वो सब मैं नहीं जानती सर। और तुम जानने की कोशिश भी मत करो, तुम बस दर्पण के काम पे कॉन्सेंट्रेट करो। दैट्स अबाउट इट। दर्पण को तुम्हारी बहुत जरूरत है। जी सर। सर क्या आप खुशी को देखने गए? नहीं मैं नहीं जा पाया, आज शाम को जाऊंगा, तुम चलोगी? मैं नहीं सर, मुझे नहीं लगता कि मुझे वहां जाना चाहिए, आफ्टर ऑल वो मेरे बॉस का घर है। ऐसे मत सोचो, बट एनीवेज अगर हम दोनों वहां चले गए तो फिर यहां का काम कौन संभालेगा? वैसे तुम बैंगलोर जा रही हो ना? वो अवार्ड फंक्शन कवर करने के लिए? या क्या आपको लगता है सर मैं ये काम कर सकूंगी? ऑफ कोर्स तुम कर सकती हो, लेकिन वहां तो मुझे कोई जानता नहीं है सर। लेकिन दर्पण को सब जानते हैं। सुनीति यही कहा करती थी कि दर्पण ही उसकी पहचान है, और अब दर्पण तुम्हारी पहचान है। तुम्हें भले ही कोई इंटरव्यू देना चाहे या ना चाहे, दर्पण को हर कोई इंटरव्यू देना चाहेगा। तो क्या अब गायत्री मुझे अपना इंटरव्यू देने के लिए तैयार है? आपका नाम तो नहीं लिया, लेकिन हाँ ये कहा कि वो लिपस्टिक को इंटरव्यू देने के लिए तैयार है। तभी तो मैं यहाँ आया हूँ ऑफिशियली आपसे मिलने। अभय और गायत्री की अनऑफिशियल बातें बताने। अब इसमें अनऑफिशियल बात कोई है ही नहीं मैडम। मेरे सामने अभय तलाक के पेपर्स लेके आया और गायत्री ने उसमें सही भी कर दिए। कुछ कहा तलाक कब तक हो जाएगा? बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि दोनों को बहुत जल्दी है तलाक की, और गायत्री को तो फिल्म शुरू करने की बहुत ही जल्दी है। वो फिल्म जो कभी शुरू होगी ही नहीं। वो तो मुझसे आज डेट्स पूछ रही थी शूटिंग की, पूछ रही थी किस दिन शूटिंग शुरू होगी। तो कह दीजिए ना, जिस दिन उसका तलाक होगा उसके अगले दिन शूटिंग शुरू हो जाएगी। मतलब आज तलाक कल शूटिंग? वो कल जो कभी आएगा ही नहीं। क्या अपने चलते हैं? ऐसे सवाल पूछूंगी मैं उस गायत्री से कि उसकी जिंदगी एक सवाल बन के रह जाएगी। शीतल। आज मैं रवि से मिला था। अच्छा? घर पे बुलाया था मैंने उसे, वो बताने के लिए जो वो पहले से जानता था। क्या? कि तुम लिपस्टिक की मालकिन हो। व्हाट? जरूर उस तारा ने बता दिया होगा, कुमार अंजलि तारा की दोस्त है ना? और ये बात तुम जानती थी? कुमार कैसी बात कर रहे हो तुम? अगर मैं ये पहले से जानती तो तुम्हें क्यों कहती कि तुम जाके सब बता दो? वही तो मैं सोच रहा था, मगर रवि और तरुण ने तो जैसे कसम खा ली है कि तुम कभी कुछ अच्छा काम कर ही नहीं सकती हो। लिपस्टिक में जो कुछ भी छपा है वो उसके लिए तुम्हें दोषी ठहरा रहे। लेकिन तुमने रवि से कहा क्यों नहीं कि जब वो आर्टिकल छपा तब मैं अस्पताल में थी? तुम्हें क्या लगता है वो ये बात नहीं जानता है? जरूर जानता है, फिर भी न जाने क्या क्या कह रहा था तुम्हारे बारे में। क्या कहा उसने?
यही कि लिपस्टिक को नंबर वन बनाने के लिए तुम दर्पण को बर्बाद करते हो। कुमार, ये बात सच है कि मैं लिपस्टिक को नंबर वन पोजीशन पर लाना चाहती हूँ, लेकिन उसके लिए मैं दर्पण को बर्बाद नहीं करना चाहती। मैं दर्पण को बर्बाद कैसे कर सकती हूँ कुमार? दर्पण में मेरे पापा का अतीत बसा है, मेरे भाई का वर्तमान और उसके बच्चों का भविष्य। कुमार, मैं इतनी स्वार्थी नहीं। मैं जानता हूँ चीता, मैं जानता हूँ तुमने क्या क्या सहा है, तुम किन हालात से गुजरी हो, और इसी सच्चाई, इसी विश्वास पे मैंने एक चुनौती दी है रवि को। चुनौती? हाँ, कि मैं दुनिया को साबित कर दूंगा कि तुम बिल्कुल बदल चुकी हो, तुम किसी का बुरा नहीं चाहती। वही तो साबित करने की कोशिश कर रही हूँ मैं कुमार। गायत्री ने जो भी मेरे साथ किया वो सब जानते हैं, लेकिन मैं वो सारी बातें अपने पीछे छोड़कर उसकी मदद करने जा रही हूँ। मदद? हाँ कुमार, मैंने तुमसे कहा था ना, मैं गायत्री का इंटरव्यू लिपस्टिक में छापने वाली हूँ। कल वो लिपस्टिक आने वाली है। मैं गायत्री को वो पब्लिसिटी दूंगी जो दर्पण कभी उसे नहीं दे पाएगा। कुमार, गायत्री को अपना अभिनेत्री बनने का सपना पूरा करने में कितनी मदद मिल जाएगी ना। आशिता, ये तो बहुत अच्छा काम कर रही हो तुम। थक गई। क्यों, बहुत काम करना पड़ता है तुझे दर्पण में? तारा, हमने एक दूसरे से क्या प्रॉमिस किया था कि ना ही मैं दर्पण की कोई बात करूंगी और ना ही तो कोई लिपस्टिक की बात करेगी। ओके, तो फिर हम क्या बात करें? विनय के बारे में बात करते हैं। विनय के बारे में नहीं, तरुण सर के बारे में बात करते हैं। तरुण के बारे में? अंजलि, इसका मतलब तू और तरुण सर? शट अप तारा, उनके बारे में सोचना भी ऐसा पाप है। वो तो बहुत अच्छे इंसान है, बस मुझे उनकी फिक्र हो रही है। तरुण की फिक्र क्यों हो रही है तुझे? उनकी बेटी खुशी बहुत बीमार है। खुशी बीमार है? हाँ। तू गई थी उससे मिलने? नहीं रे, मैं कैसे जाती, आफ्टर ऑल मैं स्टाफ मेंबर हूँ, कोई फैमिली मेंबर थोड़ी। सो व्हाट अंजलि, मुझे तो लगता है तुझे खुशी से मिलने जाना चाहिए, वरना तरुण को कितना बुरा लगेगा। इनफैक्ट तरुण को क्या, काजल को ज्यादा बुरा लगेगा। उसे तो यही लगेगा ना कि तुझे खुशी की कोई फिक्र नहीं है, which is not the fact. पर मैंने फोन पे बात तो की थी ना। तूने वो फोन दर्पण के ऑफिस से किया था? हाँ। तब तो कोई मायने नहीं रखता, उनको तो यही लगेगा कि अंजलि ने ऑफिस के कोई काम से फोन किया था। नहीं नहीं, मैंने तो स्पेशली खुशी के हालचाल पूछने के लिए फोन किया था। तो तेरी काजल से बात हुई थी? नहीं। तो फिर उसे कैसे पता चलेगा कि तूने फोन क्यों किया था? हाँ ठीक है, मैं कल ही उनको फोन करती हूँ। अंजलि, मुझे तो लगता है तुझे पर्सनली जाकर मिलना चाहिए, आमने सामने मिलने से बहुत फर्क पड़ता है। तू काजल का हाथ पकड़कर उसे हमदर्दी जता सकती है, उसे तसल्ली दे सकती है। अगर तू खुद गई तो खुशी के लिए टॉयज भी लेके जा सकती है। मुझे तो लगता है कि जब तक खुशी ठीक नहीं हो जाती ना, तुझे रोज मिलने जाना चाहिए। रोज? रोज रोज नहीं तारा। क्यों, जाना। अच्छा ठीक है छोड़, तू बता कब जाएगी? मैं सोच रही हूँ कल मैं ऑफिस जाने से पहले जाती हूँ। ये हुई ना बात।